हाई स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माई चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड थीटा, इफ कॉस थीटा बाय द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री। तो चलिए, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? थीटा यानी कि एक एंगल फाइंड करना है और एक कंडीशन हम लोगों को दे रखी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? कंडीशन से। तो क्या है कंडीशन? दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट? वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दिया है। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई में क्या देख रहे हैं? दिस इज लुकिंग ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन टी, राइट? तो क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस रूट थ्री, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन माइनस रूट थ्री के साथ, ठीक है? तो लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन इनटू वन प्लस रूट थ्री एंड दिस इक्वल्स टू वॉट? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई क्या? वन माइनस रूट थ्री के साथ, राइट? अब क्या करें? कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन में करें, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई रूट थ्री में कर दें। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन में किया तो लिख सकते हैं इसको वॉट? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करेंगे तो प्लस रूट थ्री कॉस थीटा, राइट? माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस माइनस रूट थ्री साइन थीटा एंड दिस इक्वल्स टू वॉट? कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया वन के साथ तो लिखा जा सकता है वॉट? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट थ्री के साथ, सो माइनस रूट थ्री कॉस थीटा। अगेन साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा एंड साइन थीटा का मल्टीप्लाई रूट थ्री माइनस में करेंगे तो माइनस रूट थ्री साइन थीटा। सो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व कि कॉस थीटा इधर देख रहे हैं, कॉस थीटा इज देयर, कॉस थीटा इज देयर। तो कभी भी इक्वल साइन के इधर उधर एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। क्या कुछ और भी है जो कैंसिल किया जा सकता है? यस, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें सो दिस इज व्हाट? माइनस रूट थ्री साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो माइनस रूट थ्री साइन थीटा, सो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों का साइन थीटा नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो क्या कर रहे हैं? साइन थीटा को तो इधर ट्रांसपोज कर दें और इसको इधर ट्रांसपोज इक्वल के, तो ठीक है। अभी ऑलरेडी हमारे पास में क्या था? रूट थ्री कॉस थीटा, और इधर से अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव था, नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लिखा जा सकता है रूट थ्री कॉस थीटा एंड दिस इक्वल्स टू, इधर ऑलरेडी क्या था हम लोगों के पास में? साइन थीटा, और इस साइन थीटा क्योंकि इधर क्या था? नेगेटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सो साइन थीटा। नाउ दिस इज व्हाट? रूट थ्री कॉस थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा मीन्स टू रूट थ्री कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन थीटा मीन्स टू साइन थीटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? टू इज द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टू, तो क्या लिख सकते हैं इसको? रूट थ्री कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। आप चाहे तो इस कॉस थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो ऐसा करने से एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाएगा। तो क्या कर रहा है? कॉस थीटा को ट्रांसपोज कर रहा है इधर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं तब? रूट थ्री इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू वॉट? टेन थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू वॉट? रूट थ्री। अब हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर साइड में क्या है? टेन, और इधर रूट थ्री। तो याद करने की कोशिश करते हैं कि टेन थीटा यानी कि टेन के टर्म्स में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? ऑब्वियसली किसकी होती है? टेन सिक्सटी। इसका मतलब रूट थ्री के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग? रूट थ्री के प्लेस पर रख सकते हैं हम लोग टेन सिक्सटी। नाउ वॉट?
आप हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है थीटा और यहाँ पे एंगल कितना है 60. देयरफॉर क्या बोला जा सकता है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. और यही हम लोगों का आंसर है, यही फाइंड करना था. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें. बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ में. टिल देन एन्जॉय वॉचिंग वीडियोज़. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.